आज हम लोग देखेंगे प्रेरण मोटर। न्यू टॉपिक आप लोगों के शुरू हो रहा है, इंडक्शन मोटर अथवा प्रेरण मोटर। तो प्रेरण हम लोग जानते हैं कि केवल एसी पर होता है, प्रेरण की घटना डीसी पर नहीं होती। और ट्रांसफार्मर जो है प्रेरण के सिद्धांत पर ही काम करता है, यानी उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में जब एसी सप्लाई दी जाती है तो उससे परिवर्ती फ्लक्स निकलते हैं D5, और वो सेकेंडरी वाइंडिंग से बिना कनेक्शन के ही जाकर कटते हैं, जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरण के कारण, यही फ्लक्स का कटना ही प्रेरण है। तो फ्लक्स कटते हैं जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग जानते हैं, फैराडे साहब ने सूत्र दिया E=ND5/dt बोल्ट से विद्युत वाहक बल बनने लगता है और उस सेकेंडरी वाइंडिंग में बिना किसी कनेक्शन के अपने आप धारा प्रवाहित होने लगती है। जब सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होने लगती है तो ओरस्टेड वैज्ञानिक ने ऑलरेडी बताया है कि जब कहीं भी किसी भी कंडक्टर में धारा प्रवाहित होती है या आवेश फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ बिना चुंबक के ही चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है। इस तरह से प्राइमरी में हम लोग 3-phase एसी सप्लाई डाल रहे हैं और सेकेंडरी में अपने आप जो है धारा उत्पन्न हो रही है, और जब सेकेंडरी में धारा बहेगी तो वो भी चुंबकीय हो जाएगी। अब दोनों के चुंबकीय क्षेत्र प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर बलों का आरोपण प्रत्यारोपण करने लगते हैं, जिससे स्टेटर वाइंडिंग अथवा प्राइमरी वाइंडिंग तो स्थिर बॉडी पर है, वो हिलती डुलती नहीं है, लेकिन रोटर वाइंडिंग धुर्रे और बैरिंग पर फिट है, जिससे इन बलों के कारण उस पर एक बल आघूर्ण लगने लगता है और वो जो है रोटर को नचाने लगता है। इस तरह से हमारा रोटर अथवा उसी को कहेंगे मोटर अथवा हमारा धुर्रा नाचने लगता है और उस पर हम लोग पुली पट्टा चढ़ाकर काम लेते हैं। तो आज ये मोटर के विषय में आप लोगों ने देखा है कि ये मोटर जो है हर जगह उद्योग कारखानों में प्रयोग की जाती है, तो इसलिए इसको हम लोग औद्योगिक मोटर भी कह सकते हैं। ये एकदम शुद्ध जो है एसी पर काम करती है, यानी प्रत्यावर्ती धारा पर, इसलिए इसे शुद्ध एसी मोटर भी कह सकते हैं। दूसरा, ये जो है एकदम ट्रांसफार्मर की तरह से कार्य करती है, बस ट्रांसफार्मर में जो है आपका टार्क नहीं लगता है, उत्पन्न होता है टार्क नहीं, लेकिन इस मोटर में जो है टार्क उत्पन्न होता है, अतः इस मोटर को हम लोग घूर्णीय ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। सिद्धांत वही है, उसमें भी प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें भी प्राइमरी वाइंडिंग, वो भी प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ये भी प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, वो भी शुद्ध एसी पर काम करता है डीसी पर नहीं, वैसे ये भी शुद्ध एसी पर काम करती है। बस ये है कि इसमें जो है टॉर्क उत्पन्न होगा और इसका रोटर नाचने लगेगा, तो इसलिए हम लोग इसे गतिक ट्रांसफार्मर या डायनेमिक परिणामित्र, इस टाइप से भी इसको कह सकते हैं। बकिया तो आपने पढ़ा ही कि इसका जो है फुल लोड पर पावर फैक्टर उच्च होगा, फुल लोड पर दक्षता अधिकतम होगी, कम लोड डालेंगे तो इसकी दक्षता कम हो जाएगी और कम लोड पर पावर फैक्टर भी पुअर होगा। और बकिया आपने पढ़ा कि ये संट कैरेक्टरिस्टिक से प्रभावित है या उसी टाइप का गुण इसमें है। संट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है स्थिर गति वाली मोटर, यानी हमारी प्रेरण मोटर जो है स्थिर गति वाली मोटर, तो गति परिवर्तन भी ज़्यादा संभव नहीं है, ज़्यादा आसान नहीं है, ठीक है। और बाकिया जो है हम लोग देखते हैं, तो आज चलते हैं प्रेरण मोटर। प्रेरण मोटर बेटा कहेंगे इंडक्शन मोटर,
इसमें भी इंक देख लीजिए। इंडक्शन मोटर, जनरली हम लोग जो है इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं और आपने देखा इसके फ्यू पॉइंट्स आप लोगों ने देखा। इंडक्शन मोटर की एक सामान्य संरचना हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये इसकी बॉडी हो गई, ऐसे ये इसकी बॉडी हो गई जिसे फ्रेम कहेंगे। ये क्या हो गया, ये बॉडी हो गई, बॉडी या इसी को फ्रेम कहते हैं और डीसी में इसी को योक भी कहते हैं। ये काहे का बना है, सी आई का, और ये भाग स्थिर है इसलिए इसे कहेंगे स्टेटर। क्या कहेंगे, स्टेटर, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको जो जनरली मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट देखें, तो हम लोग जो है यहाँ पर जो है एक वाइंडिंग ऐसे ऐसे लुपेट देते हैं जिसे कहते हैं स्टेटर वाइंडिंग, इसे क्या कहेंगे। हाँ, ये मान लीजिए तीन फेज की है तो ऐसे हम लोग यहाँ पर स्टेटर वाइंडिंग इसे कहेंगे। तो यही हो गया, इसे अब है तो ये आर्मेचर वाइंडिंग लेकिन स्टेटर पर है इसलिए इसका नाम हम लोग रखते हैं, बोल देते हैं शॉर्ट में स्टेटर वाइंडिंग। तो ये हम लोगों ने स्टेटर वाइंडिंग कर दिया और इस धुर्रे पर हम लोगों ने सेकेंडरी वाइंडिंग कर दी। अब क्या होगा कि जब हम लोग इसमें थ्री फेज की एसी सप्लाई यहां से डालेंगे, थ्री फेज एसी, एसी सप्लाई यहाँ से डालेंगे, देंगे बेटा यहाँ से वी वोल्ट की सप्लाई देंगे, आई एम्पियर की धारा इसमें घुसेगी, तो ये कुंडली हमारी प्राइमरी, इसी को कहेंगे स्टेटर वाइंडिंग अथवा कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। क्या कहेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे। और इस भाग को हम लोग रोटर कहेंगे, क्या कहेंगे। इस तरह से दो ही भाग हैं, स्टेटर और रोटर, रोटर को घूर्णक कहेंगे। अब स्टेटर और रोटर में आपने कहा कि जिस तार से जो है हम लोग वाइंडिंग स्टेटर में करेंगे उसी तार से रोटर में भी करेंगे, क्लियर है। अब इसमें जितने पोल की हम लोग करेंगे वाइंडिंग उतने ही पोल की रोटर में करेंगे, इसे हम लोग रोटर वाइंडिंग कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, हाँ, ये वाली आपकी रोटर वाइंडिंग है अथवा इसी को कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। चलिए, तो ट्रांसफार्मर की तरह से ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। जब इसमें हम लोग एसी सप्लाई देंगे थ्री फेज की, हम लोग जानते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए मिनिमम दो फेज की जरूरत पड़ती है, सिंगल फेज से प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, जबकि दो या दो से अधिक फेजों की सप्लाई होने पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। तो इसमें तीन फेज की सप्लाई डालेंगे तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी जिसकी गति होगी एनएस, और एनएस बराबर हम लोग ज्ञात करते हैं 120 एफ ऑन पीसी। पी इसमें पोलों की संख्या, पी इस वाइंडिंग में कितने पोल की, जैसे आपको कल बताया था कि वाइंडिंग में हम लोग टर्न ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं भैया, ऐसे बनाते हैं। अब अगर यहां से आप धारा इसमें डाल रहे हैं तो देखिए धारा ऐसे जाएगी और ऐसे इधर की ओर आएगी, तो ये हम लोगों का बन जाएगा ऐसे, देखिए साउथ पोल बन रहा, तो ये साउथ पोल बनाने लगे।
और अब यही धारा यहाँ से निकल रही है और इसे हम लोग जो है अगले टर्न में ले जाएं, और मान लीजिए कि ऐसे ये वाला टर्न फिर बना दिया, ऐसे ऐसे बना दिया, और यहां से सप्लाई डाल दिया। अब इसमें सप्लाई डाल, अब धारा इधर से जाएगी और इधर की ओर आएगी ऐसे। अब देखिए ये नॉर्थ पोल बना दिया, ऐसे बन गया। और फिर इस तार को ऐसे करके यहां ले आएंगे, यहां से आपकी सप्लाई चलेगी, यहां से धारा जा रही है ऐसे अपना परिपथ पूरा। ऐसे हम लोग जो है वाइंडिंग करके नॉर्थ साउथ बना लेते हैं। जितने पोल की आपको वाइंडिंग करना होगा बेटा कर ले, क्लियर है? तो इस तरह से पोलों की संख्या, इस वाइंडिंग के पोलों की संख्या, उससे आपको एनएस, अब ये जो आएगा आरपीएम में आएगा, किसमें आएगा? आरपीएम में आएगा। अब यही बात आपको समझनी है कि इसकी गति जो है एनएस है और एनएस का मान इतना। अब मान लीजिए कि सप्लाई आपकी यहां से 50 हर्ट्ज की आ रही है, ये 50 हर्ट्ज का भी वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ का मान 50 हर्ट्ज है, तो यहाँ एफ का मान 50 रखेंगे, 50 रखेंगे, मान लीजिए दो पोल है, तो इसकी गति जो है सीधे 3000 आ जाएगी। 3000 आरपीएम पर आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नाच रहा है स्टेटर का, ये स्टेटर का। अब ये फ्लक्स जो है इस सेकेंडरी वाइंडिंग से कटेगा और इसमें भी जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, फ्लक्स कटेगा, फैराडे के नियमानुसार वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी और इसमें d∅/dt होने लगेगा और इसमें विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला आप पढ़े हैं कि E बराबर यानी d∅/dt से जो है इसमें वोल्टेज बनने लगेगा वोल्ट, तो इस फार्मूले से इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल जनित होता है और चूंकि ये कुंडली शॉर्ट है तो इसमें जो है उच्च धारा भी आई भी बने। अब चूंकि ये सेकेंडरी कुंडली है बेटा, इसलिए इसके लिए सब दो का इस्तेमाल करेंगे, नंबर दो डालेंगे, यानी हम कहेंगे E2, तो आप समझ जाएंगे कि रोटर वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, अब इसमें जो धारा बहेगी वो I2 बहेगी, और जब इसमें धारा बहती है तो ये भी अब चुंबकीय हो जाएगी, तो इन दोनों के चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर बलों का आरोपण और प्रत्यारोपण करने लगते हैं, इंटरैक्शन करने लगते हैं, जिसके कारण ये तो अपने जगह स्थिर है स्टेटर वाइंडिंग, और रोटर वाइंडिंग क्या है, बैरिंग और धुर्रे पर फिट है, बैरिंग ना आगे जाने देती है ना पीछे हटने देती है, ना ऊपर जाने देती है ना नीचे धुर्रे को जाने देती है, केवल रोटरी मोशन के लिए अलाउ करती है। तो इसमें टार्क ऐसे लगने लगता है, ऐसे टार्क यानी घुमाव बल लगने लगता है जो रोटर को नचाने लगता है, तो इस तरह से हमारा रोटर नाचने लगता है और हम लोग जो है पुली पट्टा, इसी धुरे पर पुली पट्टा चढ़ाकर काम लेते हैं। तो ये मोटर इतनी माने सादा और सरल संरचना में है, और देख रहे हैं केवल एसी सप्लाई दिया और बिना किसी कनेक्शन के, अब न इसमें स्लिप रिंग लगा, न कार्बन ब्रूस लगा, न कहीं स्पार्किंग की कोई समस्या है, इन सब से ये मुक्त। इसलिए खूब हम लोगों के घरों में, बाजारों में, जहां भी उद्योग धंधे हैं, कारखाने हैं, वहां पर भी इसका खूब धड़ल्ले से और सर्वाधिक प्रयोग होता है, इसलिए इसे हम लोग औद्योगिक मोटर भी कहते हैं, और मार्केट में भी हर जगह आप जाएंगे चाहे जिस भी शहर कस्बे में तो आपको ये मोटर मिलेंगे, ठीक है ना? तो अब इन्हीं की बात हम लोग कर रहे थे। अब जैसे इनका सामान्य कार्य हम लोग अभी पढ़ रहे थे, कार्य सिद्धांत पढ़ रहे थे, तो कार्य सिद्धांत भी इसी समय देख लीजिए। तो कार्य सिद्धांत जैसे इसमें अब I2 उत्पन्न हुआ तो ये दूसरे एक दूसरे पर बल लगाने लगेंगे, तो उस बल को हम मान लीजिए कह दिया F2, तो इस एक टार्क लगने लगा, टार्क को कह दिया T2 और फ्रीक्वेंसी F2 कह दिया, तो ये सब जो है अब अपने आप इसमें जनित हो जाएंगे।
और F2 का मान इसके बराबर होगा, क्योंकि आपने कहा कि जिस तार से करेंगे और जितने पोल का इसको करेंगे उतने ही पोल का रोटर वाइंडिंग भी करते हैं, चूंकि ये स्थिर है इस समय स्थिर है, तो इसके सारे फ्लक्स जो है इस वाइंडिंग से कट जाते हैं और सेम फ्रीक्वेंसी का इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो स्टार्टिंग के समय F2 भी 50 हर्ट्ज हो जाएगा। यही आप लोगों ने लिखा है कि स्टार्टिंग के समय उच्च आवृत्ति पर इसका जो है प्रतिघात उच्च होता है, और फिर जब ये भी नाचने लगेगा, ठीक है ना, अब एक गति पकड़ेगा, बल लगा, टार्क लगा बेटा, तो ये सब शुरू में स्टार्टिंग के समय, यानी स्टार्टिंग के समय ये सब क्या है, अधिकतम, ये सभी क्या है, अधिकतम, दिख रहा भाई, ये सभी अधिकतम मैक्सिमम। अब जब रोटर वाइंडिंग भी बेटा इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर का नाच रहा है, उसी डायरेक्शन में अब रोटर भी नाचना शुरू कर देगा। अगर ये उल्टे नाच रहा है तो ये भी उल्टे नाचने लगेगा, जिस डायरेक्शन में हमारा स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नाचेगा उसी डायरेक्शन, और वो इसका गति जो है NS रहेगी, भले दिशा बदल जाए, तो फेज सीक्वेंस अगर पलट दें RYB के जगह पर RBY कर दें, तो ये मोटर जो इस डायरेक्शन के बजाय इस डायरेक्शन में नाचने लगेगी, क्योंकि उसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर का अब इधर की ओर नाचने लगेगा, तो अब रोटर भी हमारा इधर की ओर नाचने लगेगा, क्लियर है। तो जब ये नाचने लगेगा सेम डायरेक्शन में, तो क्या इसके फ्लक्स का कटना धीरे धीरे कम होने लगता है। जब दोनों चीजें बेटा ऐसे ऐसे देखिए ना, एक ही साथ में घुमा रहा, ये फैराडे साहब ने भी कहा कि चुंबक और कुंडली दोनों को अगर साथ है ऐसे ऐसे घुमाएंगे, तो जो फ्लक्स यहाँ लगा हुआ वहीं लगा रहेगा, उसके फ्लक्स के मान में ज्यादा परिवर्तन नहीं हो पाएगा, जब तक कि इनको आगे पीछे न घुमा, इनमें सापेक्ष गति न हो, तब तक जो है चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होता है, और वो जो है इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो अब जैसे जैसे ये नाच रहा है तेज, और उसी तरह से भी धीरे धीरे मान लीजिए कि आपका रोटर भी स्पीड पकड़ रहा है, तो जब उसके डायरेक्शन में ये नाचना शुरू करेगा तो इससे कटने वाला फ्लक्स जो है कम होने लगता है, तो ये जो है अब आपका E2, अब जब फ्लक्स कम कटेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कम होगा, जब फ्लक्स ये फाई कम कटेगा तो E2 का मान घटने लगेगा, जब E2 घटेगी तो उसके कारण बहने वाली धारा I2 घटेगी, I2 घटेगी तो उसका चुंबकीय जब माने भाई क्षेत्र कमजोर पड़ने लगेगा, जब धारा कम तो चुंबक कम बनेगा, तो बल F2 कम, टार्क T2 कम, फ्रीक्वेंसी भी घटने लगेगी, 50 हर्ट्ज से अब ये 40 हर्ट्ज 30 हर्ट्ज पर आने लगेगी, और लास्ट में 2 हर्ट्ज पर आ जाएगी। तो ये धीरे धीरे सब क्या होगा, जैसे जैसे रोटर की स्पीड ये गति n पकड़ेगा, इसकी ये गति को हम लोग n कहते हैं, और यही n जो है हम लोगों का अन्य मशीनों को चलाने के चक्की या जो भी आप चला रहे हैं वो इसी पर चलाएंगे, इसी धुर्रे पर आप पुली पट्टा चढ़ाएंगे, तो मोटर की गति n। अब ये n जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही सापेक्ष गति, जो आपने कहा कि सापेक्ष गति जो है वो NS माइनस N ये कम होने लगती है, देखिए ना ये कम होने लगती है, तो क्या है फ्लक्स का कटना, स्टेटर फ्लक्स का कटना, इसी फाई का कटना इस वाइंडिंग से कम होने लगता है, और फलतः I2 E2 F2 T2 ये सब क्या होने लगते हैं, कम होने। अगली पॉइंट ये तो स्टार्टिंग के समय रहा, अगली पॉइंट आपने लिखा जब रोटर गति प्रारंभ कर देता है, ये तो अभी स्थिर अवस्था में, स्टार्टिंग के समय ये स्थिर है, तब यह फुल कटेगा, और जब रोटर
गति प्रारंभ कर देगा, किधर की ओर प्रारंभ करेगा, यानी इसके डायरेक्शन, तब जो है तब आपने लिखा कि स्टेटर फ्लक्स, स्टेटर फ्लक्स का सेकेंडरी वाइंडिंग से कटना धीरे धीरे कम होने लगता है, और जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे कम होता जाता है फ्लक्स का कटना, इसका फ्लक्स अब इससे कटना कम होने लगेगा। फलतः क्या है कि E2, I2, F2, T2, ये स्मॉल F2 यानी फ्रीक्वेंसी रोटर की, ये सभी कम होने लगते हैं। ये क्या होने लगते हैं? कम होने लगते हैं। क्लियर है? अब सपोज कर लीजिए कि ये भी स्पीड पकड़ लिया, ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं, बकिया मोटर जो है मुश्किल से 15-20 सेकेंड में स्पीड पकड़ लेगा, ठीक है ना? तो 15-20 सेकेंड नहीं, बहुत है भाई, आधा मिनट लगेगा, 30 सेकेंड लगेगा स्पीड पकड़ ले। जैसे इसकी स्पीड मान लीजिए कि NS हो गई, इसकी स्पीड कितनी हो गई, हाँ NS के करीब आ गई। अगर NS का मान 3000 है तो मान लीजिए कि रोटर की भी गति 3000 आ गई। अब देखिए ना, ये भी NS हो गया, या ये 3000 है तो ये भी 3000 हो गया, तो अब जो है इसका मान 0 हो गया, सापेक्ष गति 0 हो गई। अब दोनों एक ही स्पीड से नाच रहे हैं, अब कोई फ्लक्स जो है नहीं कटेगा। तो जब कोई फ्लक्स नहीं कटेगा तो तीसरी पोजीशन में आपने कहा कि जब हमारे रोटर की गति NS हो जाए, उस समय क्या होगा, रोटर की गति तीसरी पोजीशन में, जब जब रोटर की गति NS हो जाए, हो जाएगी अंत में हो जाए, तब सापेक्ष गति का मान शून्य हो जाएगा, NS माइनस NS हो जाएगा, दोनों शून्य हो जाएगा। तो स्टेटर के फ्लक्सों का रोटर से कटना बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल E2, धारा I2, बल F2, टार्क T2, फ्रीक्वेंसी, ये सब क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाते। क्लियर है? जब ये शून्य हो जाएंगे बाबू, तो क्या होगा, अब रोटर को नचाने वाला कोई बल नहीं लग रहा, तो रोटर धीमा पड़ जाएगा, रोटर स्लो पड़ जाएगा। अब उसको ये सब शून्य हो गए, टार्क शून्य हो गया, बल जो लग रहा था वो शून्य हो गया, तो अब इसको कोई नचाने वाला बल नहीं मिलेगा, तो इसकी स्पीड जो है स्लो पड़ जाए। जैसे स्लो होगी, मान लीजिए 3000 से घटकर 2600 हो गई, 2800 हो गई, 2900 हो गई, तो ये मान लीजिए कि अब 3000 से कम तो हुई, लेकिन मान लीजिए कि 2950 हो गई, तो देखिए ना इनकी सापेक्ष गति आ गया 50 आ गया, इतना 50 आरपीएम, माने दोनों की गति में बहुत मामूली सा अंतर है, एक 3000 पर चल रहा है ये वाला, और ये वाला हम लोग मान लिए कि 2950 पर चल रहा है, तो 50 आरपीएम का केवल दोनों के गति में अंतर है। तब क्या होगा, अब स्टेटर का हल्का फुल्का, अब स्टेटर का हल्का फुल्का फ्लक्स जो है इस रोटर वाइंडिंग से कटेगा, और जब हल्का फुल्का इस वाइंडिंग से, रोटर वाइंडिंग से स्टेटर का फ्लक्स कटेगा, तब इसमें हल्का फुल्का, अब ऐसी दशा में इसमें हल्का फुल्का या बहुत कम, ठीक है ना, हल्का फुल्का का मतलब बहुत कम, बहुत कम जो है E2 उत्पन्न होगा, I2 माने धारा बेटा कम होगी, बल F2 कम होगा, बल टार्क T2 और फ्रीक्वेंसी F2, ये सब उत्पन्न तो होंगे लेकिन बहुत कम। अब हमारे रोटर पर टार्क बहुत कम लगने लगता,
यानी जब ये फुल स्पीड पकड़ लेता है तो उस समय हमारा टार्क T2 भी बहुत कम हो जाएगा, I2 भी कम हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 भी सब बहुत कम हो। ये सेम वैसे ही है जैसे आप मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठते हैं, बेटा 2 लोग बैठते हैं, पहले लोड डालते हैं, उसके बाद मोटरसाइकिल को पहली गियर में आप उठाते हैं। पहली गियर में टार्क अधिक होता है, आपके पहिए को, आपके टायर को नचा देता है, वही मोटरसाइकिल का इंजन नचा देता है और हमारी गाड़ी जैसे ही नाची चक्का वैसे आगे बढ़ी। लेकिन जब टॉप गियर लगा देते हैं, 5वीं गियर या टॉप गियर, तब हमारी क्या है, तब तक स्पीड 80 की 70 की आप मेंटेन कर लेते, दूसरी गियर लगाएंगे स्पीड और बढ़ जाए। पहली गियर में आप कितनों इसलेटर देते रहिए, तेल बढ़ाते रहिए, गाड़ी हूं हूं करेगी लेकिन स्पीड नहीं बढ़ेगी, लेकिन टार्क रहेगा उम्दा। 3 लोग भी बैठे हैं तब वो मोटरसाइकिल आगे बढ़ जाएगी, 4 लोग बैठ गए तब वो पहली गियर में आगे बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस चक्के को घुमाने वाला बल आघूर्ण अथवा टार्क का मान बहुत अधिक है। पहली गियर में टार्क बहुत अधिक है तो स्पीड बहुत कम, यानी टार्क और स्पीड में विलोम का संबंध है। टार्क और इसी T2 में और स्पीड में विलोम का संबंध है ना, आप समझ में आ रहा? अब आप कहेंगे कि हम ही से पढ़ो, वहां जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बेटा देखिए अगली पॉइंट। तो जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती जाती है बेटा, वैसे वैसे टार्क का मान घटता जाता है और अंत में जब हम टॉप गियर लगा देते हैं तो उस समय फुल स्पीड हो जाती है। जब स्पीड अधिक हो जाएगी तो टार्क हमारा कम हो जाएगा। तो फुल स्पीड पर जब हम ले जाते हैं मोटरसाइकिल को, 80 90 100 पर भगाने लगते हैं तो उस समय टार्क बहुत कम हो जाता है, और इतना कम हो जाता है कि आप पढ़े हैं कि जड़त्व का नियम कहता है कि जो वस्तु जिस चाल से गतिशील है उसी चाल से वो चलते रहना चाहते हैं। क्लियर? अब 100 की स्पीड से है तो 100 की स्पीड से ही चलते रहना चाहती है, उसको रोकता कौन है? तो टायर और सड़क के बीच का घर्षण बल, बैरिंग और धुर्रे और चैन स्प्रोकेट के बीच का घर्षण बल प्लस हवा का थपेड़, ये हल्का रोकते हैं। इन्हीं को केवल माइनस करने के लिए हल्का फुल्का टार्क बनता रहता है और मोटर हमारी या मोटरसाइकिल 100 पर चल रही है तो लगातार चलती रहती है। देखिए ना, तेल बहुत कम तब लगता है, इसलेटर बहुत कम आप लोग उस समय कर रहे, अब नहीं बढ़ाते हैं। तो उस समय क्या है कि आपका टार्क बहुत कम है, टार्क बहुत कम है तो बेटा बल भी बहुत कम लगेगा, बल बहुत कम है तो सारी चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं और केवल जितना घर्षण और अन्य के कारण हमारी स्पीड डाउन हो रही है उतना हल्का फुल्का टार्क डेवलप होता रहता है और हमारे मोटरसाइकिल के स्पीड को मेंटेन किया रहता है। क्लियर है? तो टॉप स्पीड हो जाएगी बेटा, ये फार्मूला भी बता रहा है कि स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो टार्क कम हो जाएगी, स्पीड कम होती है तो टार्क अधिक होता है, जो कि पहली गियर में ही आपको पता लग जाता है। अब अगर इसका उल्टा देखें, आप 3 लोग पहले मोटरसाइकिल पर बैठेंगे, भाई ऐसा तो है नहीं कि दौड़ा लेंगे तब छरक के चढ़ेंगे। तो जब बेटा आप लोग पहले बैठ जाते हैं हम लोग, तब लोड डालते हैं। यही हाल हर जगह है, रेल का इंजन है चाहे वो इलेक्ट्रिक मोटर से चल रहा है चाहे आपके इंजन से चल रहा है, पहले चाहे वो सवारी वाली गाड़ी हो, एक्सप्रेस हो, कुछ भी हो या मालगाड़ी हो, सब पर पहले लोड जो है भर दिया जाता है, कोयला भर दिया गया, जो भी है भर दिया जाता है या सवारियां बैठ जाती हैं, फिर वो स्टेशन से 0 वेलोसिटी से अपना स्टार्ट करता है। तो उस समय स्टार्टिंग टार्क जो है बहुत उम्दा होना चाहिए, अगर स्टार्टिंग टार्क उम्दा नहीं तो हूँ करने लगेगी और आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। इसलिए लिफ्ट है, लिफ्ट में पहले हम लोग सवार हो जाते हैं तब उसके बाद जो वो चलती है। इन सब का माने, इन सब में ऐसी DC सीरीज मोटर या AC सीरीज मोटर लगाएंगे जिनका कि स्टार्टिंग टार्क बहुत उम्दा, वो खींच ले,
जैसे आपके मोटरसाइकिल का पहले गियर पर स्टार्टिंग टार्क बहुत उम्दा, अब आप जो है स्टार्टिंग के समय गलती से पहला गियर ना लगा के पांचवी गियर लगाओ, देखिए नहीं उठाए तुरंत बंद हो जाए। आप तीसरकीय गियर में उठाए नहीं उठा पाए, चौथी गियर में उठाए नहीं उठा पाए, क्योंकि उसका उस समय का टार्क बहुत कम, स्पीड ज़्यादा, तो इसलिए नहीं उठा पाती, ठीक है ना। तो इस तरह से अब ये बात आपके समझ में आ गई कि ऐसे ही मोटर भी जब हमारी फुल स्पीड पकड़ लेगी तो उसमें भी प्रेरित विद्युत वाहक बल, टार्क, उस पर लगने वाला बल F2 और उसमें बहने वाली धारा I2, सभी का मान धीरे धीरे कम हो जाएगा। और यदि मोटर की गति भी NS हो गई, दोनों की गति सेम हो गई, तो सापेक्ष गति का मान एक तरह से शून्य हो जाएगा, दोनों एक ही गति से नाच रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में नाच रहे हैं, इसलिए इसके फ्लक्स का सेकेंडरी से कटना बंद हो जाता है और फलतः ये सब सारे मान शून्य हो जाते हैं। क्लियर है। अब अगली पॉइंट आप ये देखिए कि जैसे ये सब शून्य हो जाते हैं तैसे हमारे रोटर की गति धीमी पड़ जाती है, अब न उसको कोई बल मिल रहा, न कोई टार्क मिल रहा घुमाने वाला नचाने वाला, अतः ये स्लो पड़ जाता है। जैसे ही स्लो पड़ता है तो स्लो होने पर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए गति इसकी 3000 से घटकर 2950 हो गई, तब दोनों की गतियों में अंतर जो 50 RPM का आ गया। अब स्टेटर वाइंडिंग का हल्का फुल्का फ्लक्स जो है रोटर वाइंडिंग से कटने लगता है और इसमें जो है सब हल्का फुल्का E2, I2, F2, T2 ये सब उत्पन्न हो जाते हैं और उन्हें हल्का फुल्का जो है अब केवल बल की जरूरत रहती है, हल्का फुल्का टार्क की जरूरत रहती है, जो कि इसकी गति को 2950 पर हमेशा मेंटेन किए रहे। अब इस तरह से हम लोग कहेंगे कि हमारा रोटर हमेशा इस NS का पीछा तो करता है लेकिन इस तरह से NS पर नहीं पहुंच पाता, NS पर पहुंचेगा तो ये सब जीरो हो जाता है, इसलिए कभी भी ये NS गति को नहीं प्राप्त कर पाता है, हमेशा सिंक्रोनस स्पीड चाहे 3000 है, चार पोल का लगाएंगे तो 1500 हो जाएगा, तो इस तरह से हमेशा वो सिंक्रोनस गति से कुछ न कुछ कम गति पर ही हमारा रोटर अथवा कहेंगे मोटर, इंडक्शन मोटर नाचती रहती है। सेल्फ स्टार्ट, बटन दबाया नहीं कि चला नहीं, क्लियर है ना। हाँ, अब देखिए तो ये बातें आपके समझ में आई। अब हम लोगों ने कहा एक पॉइंट, अभी हम लोगों ने लिखा कि टार्क किसके किसके समानुपाती होते हैं। टार्क के लिए एक लिखा कि टार्क T2, इसमें जो टार्क उत्पन्न होगा वो किसके समानुपाती होगा। तो हम लोग बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझते ही हैं कि टार्क उसी का ज्यादा होगा जिसकी पावर ज्यादा होगी। जैसे हम लोग टार्क वाला ही बल लगाकर कहीं ढक्कन खोलते हैं और कसते हैं, टार्क ही लगाकर अपने हाथ में जितना पावर है उसी हिसाब से टार्क लगाकर हम लोग नट बल्टू को खोलते हैं और कसते हैं, और नहीं खुलता है कसता है तो हम लोग रिंच लगाते हैं और फिर दूर से बल लगाते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा ना उस दिन कि भाई टार्क बराबर क्या है, मान लीजिए कि ये रोटर ये नाच रहा है, ये धुर्रे का केंद्र है और यहाँ पर इसकी त्रिज्या R हो गई और यहाँ से एक बल इस पर F लग रहा है, तो टार्क बराबर T बराबर होता है F गुणे R। हम लोग कहते हैं कि बल F ऐसे लग रहा है तो ये इसको ऐसे नचाने लगा, इसके परितः इसको क्या करेगा, इस रोटर को नचाना शुरू कर दे, तो ये है बल आ गया। अब जो है यही बल आघूर्ण बेटा जितना हम दूर लगाएंगे, यानी ये बल और इस बल की क्रिया रेखा से आलंब की ये लंबवत दूरी, तो यही लंबवत दूरी। अब जैसे नट को हम लोग बेटा स्पैनर से ऐसे पकड़ लेते हैं और यही दूरी R का मान ऐसे इतना दूर पकड़ लेते हैं, और इससे भी नहीं ठिकाता तो हम लोग एक आठ पाइप वगैरह इसमें लगा के और पाइप की लंबाई बढ़ाकर और ऐसे खोलते हैं तो फट दे जो है, देखिए हमारा R का मान बढ़ने से
हमारा टार्क बढ़ जाता है, बल तो हम उतना लगाते हैं लेकिन आर का मान बढ़ा लेते हैं, इस तरह से हमारा बल आघूर्ण जो है लग जाता है ज़्यादा, और हमारा जो है स्पैनर काम कर जाता है, नट बल्टू हमारा जो है बेटा वो खुल जाता है, अथवा टाइट करना है तो टाइट करते हैं। देखते होंगे ट्रक वगैरह का कैसे टाइट करते हैं। तो बल तो हमारी एक लिमिट है, लेकिन यही दूरी आर हम लोग बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये टार्क जो है बेटा ये लगेगा, और ये टार्क जो है देखिए ना उसी का ज्यादा लगेगा भाई जिसके पास पावर ज्यादा हो। अब आप जो है छोटे बच्चे से कहेंगे कि इस भाई नट को या इस ढक्कन को खोल दो, तो वो नहीं खोल पाता क्योंकि उसके हाथ में पावर कम है। तो बच्चे हम लोगों के पास लेके आते हैं कि भाई इसको जरा खोल दीजिए अंकल जी, वो जानते हैं कि भाई इनके हाथ में ज़्यादा पावर है तो ये इनका टार्क भी ज़्यादा रहेगा, ये घुमा के खोल लेंगे। इस तरह से बेटा टार्क जो होता है वो सीधे पावर के समानुपाती है। अब इसकी पावर को हम लोग क्या कहेंगे, P2 कहेंगे। और हम लोग जानते हैं कि P2 बराबर क्या होता है, P2 बराबर होगा हम लोग पावर P बराबर पढ़े हैं VI cos Y होता है ना। DC में केवल VI होता है बेटा, AC में पावर फैक्टर का भी गुणा होता है। क्लियर। अब देखिए तो इसमें जो बन रहा है बेटा V2 के जगह पर यहाँ पर बन रहा है E2, क्या बन रहा है हाँ, तो V2 के जगह पर यहाँ पर रखेंगे E2 और इसमें बहने वाली धारा का मान है I2 और इसके पावर फैक्टर का नाम रख देंगे cos phi। और हम लोग जानते हैं कि पावर फैक्टर cos phi बराबर R/Z होता है, कितने लोग जानते हैं। तो पावर फैक्टर cos phi बराबर होता है cos phi बराबर होता है R/Z। जेड क्या है, इस कुंडली में देखिए, इस कुंडली में प्रतिरोध भी R भी है और इस कुंडली का प्रतिबाधा जो है बेटा या प्रतिघात जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस कहते हैं वो XL। कुंडली में ये दोनों चीजें, कुंडली में प्रतिरोध भी होगा R ओम का और इसका XL भी हो गया। XL बराबर क्या होता है 2πfL ओम। F जो है फ्रीक्वेंसी है, L प्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक है हेनरी में, और कुल आएगा ओम में। ये दोनों होते हैं। अब इन दोनों को, ये दोनों मिलकर जितना धारा के बहाव में अवरोध उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं प्रतिबाधा। दोनों मिलकर जितना धारा के बहाव में अवरोध उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं प्रतिबाधा, अंग्रेजी में कहते हैं इम्पीडेंस। क्या कहते हैं, इम्पीडेंस, और जेड से व्यक्त करते, यानी इस कुंडली द्वारा धारा के बहाव में उत्पन्न किया गया कुल अवरोध, प्रतिरोध नहीं कहेंगे कुल, और मापेंगे ओम में लेकिन इसे कहेंगे कुल अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं, और जेड से व्यक्त करते। तो आर ओम और एक्सएल ओम का मान जोड़कर कैसे ज्ञात करेंगे, तब आएगा जेड का मान। तो जेड बराबर हो जाता है करणी में R² + XL² इस फार्मूले से प्रतिबाधा ज्ञात करें। तो जैसे हम लोग जो है पढ़ते हैं कि भाई V बराबर IR, क्या पढ़ते हैं, ओम साहब ने कहा V बराबर IR, तो खाली जब रेजिस्टेंस रहेगा तब ऐसे पढ़े। रेजिस्टेंस के साथ रिएक्टेंस भी है, ये प्रतिघात है, तो जब दोनों रहेगा तब जो है अब पढ़ेंगे V बराबर IZ। अब क्या पढ़ेंगे, हाँ IZ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग cos phi के जगह पर क्या रख दें, R/Z। अब लिखेंगे cos phi 2 तो लिखेंगे R2/Z2, तो यही हो गया। cos phi के जगह पर रख दिया जाए R2/Z, ठीक है ना। अब ये जो है टार्क जो है वो पावर के समान अनुपाती है, यानी टार्क T2 समान अनुपाते P2।
और पी टू बराबर ही है। तो हम लोग बेटा समान अनुपात का चिन्ह हटाने के लिए एक स्थिरांक से गुणा कर देते हैं, तो स्थिरांक से गुणा कर दिया तो हो गया टी टू बराबर, अब इसका मान हम लोग एक स्थिरांक के टू रख दें, के टू गुड़े हो गया ये मान रख दें, पी टू के जगह पर ये मान रख दें, तो हो गया ई टू गुड़े, ये गुड़े हो गया, इसका मान हम लोगों ने रख दिया। अब आई टू का मान यहां से रख, तो अब ऐसे इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ना, इसके लिए लिखेंगे इसमें जो है वोल्टेज का मान E2 है, तो यहां से लिखेंगे E2 बराबर I2 Z लिखेंगे, इसलिए I2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बटे Z2 हो जाएगा। I2 के जगह पर, इस I2 के जगह पर यहाँ पर रख दिया जाए E2 बटे Z2, यही रख दिया गया E2 बटे Z2। अब यही फार्मूला हो गया टार्क T2 बराबर K2, E2 गुड़े E2 का हो गया E2 स्क्वायर गुड़े हो गया R2 बटे Z2 का स्क्वायर इतना न्यूटन मीटर। तो ये आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, या आपके समझने के लिए बता रहे हैं। तो अब आपके समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग के समय आपने कहा कि मैक्सिमम विद्युत वाहक बल बनता है और वो भी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा फ्लक्स कटेगा जो इसमें स्टार्टिंग के समय जब तक ये स्थिर है उस समय की बात हो रही, उस समय स्टार्टिंग है, तो उस समय सारा फ्लक्स कटेगा तो E2 का मान सप्लाई वोल्टेज भी के बराबर हो जाता है, ठीक है ना, और धारा भी जितना उसमें जा रही है उतना एक तरह से मान लीजिए कि इसमें भी बहेगी, फ्रीक्वेंसी भी यहाँ 50 है तो इसमें भी 50 बहेगी, तो ये सब बातें होंगी। तो इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ना, टी टू बराबर K2, अब E2 के जगह पर हम लोग सप्लाई वोल्टेज भी रख दें तो ये हो जाएगा V स्क्वायर R2 बटे Z2 का, ठीक है ना। तो अब आपके समझ में आ रहा है कि टार्क T2 किसके किसके समानुपाती है। अब देखिए टार्क T2 जो है, टार्क T2 रोटर में इसी में टार्क बनना है, यही नचाएगा हमारे पुली पट्टा को, हमारे चक्की को, गन्ना पेर रहे हैं, चारा काट रहे हैं, यही नचाएगा, इसी के टार्क की बात हो रही और स्टार्टिंग टार्क की बात एक तरह से। तो टार्क T2 समान अनुपात है किसके, पावर P2 के, यानी रोटर की पावर P2, और फिर समान अनुपात है आप देख रहे हैं E2 भी है, E2 ज्यादा होगा तो टार्क भी ज्यादा होगा, तो समान अनुपात है E2 है, फिर समान अनुपात है I2, I2 ज्यादा होगा तो भी टार्क ज्यादा होगा, तो समान अनुपात है I2, फिर समान अनुपात है cos phi2, समान अनुपात है cos phi2, फिर आपने कहा समान अनुपात है R2, समान अनुपात है, यानी रोटर का प्रतिरोध ज्यादा हो तो हमारा स्टार्टिंग टार्क भी उमदा हो, ठीक है ना। फिर आपने कहा समान अनुपात है सप्लाई वोल्टेज भी का भी वर्ग, ठीक है ना, यानी सप्लाई वोल्टेज भी आप अगर ज्यादा देंगे तो हमारा टार्क ज्यादा हो। घर में भी हम लोग रोज देखते हैं कि भाई वोल्टेज कम हो गया, पंखा धीरे धीरे चल रहा है, बल्ब डीम जल रहा है, वोल्टेज जब पूरा चलता है आता है तो टुल्लू भी पानी खूब उठा रहा है, पंखा भी खूब तेज चल रहा है, बल्ब भी खूब प्रकाश दे रहा है, टीवी भी फुल स्क्रीन आ रही है, होता है ना। तो इस तरह से सप्लाई वोल्टेज के सीधे समान अनुपाती हमारा टार्क है, वो भी वी स्क्वायर, हल्का भी वोल्टेज फर्क पड़ेगा तो बहुत तेजी से टार्क बढ़ेगा। फिर आपने देखा कि भाई पहली गियर में स्पीड कम है लेकिन टार्क बहुत उमदा है, रोज प्रैक्टिकली आप लोग देखते हैं, यानी अब आप कहेंगे कि यही के आगे आप कहेंगे इसको मिटा दो, तो अब आप कहेंगे बेटा इसी को मिटा देते हैं, तो ऐसे कहेंगे वी स्क्वायर, फिर कहेंगे समान अनुपात है वन बाई एन, पढ़ेंगे रोटर की गति एन के विलोमानुपाती है, यानी गति ज्यादा तो टार्क कम,
फुल स्पीड पर टॉर्क बहुत कम हो जाए। फिर आपने कहा कि समान अनुपात एनएस माइनस ये सब पढ़ा, समान अनुपात सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ टू ये सब रहेगा, ठीक है ना। ऐसे जो है लोड के भी समान अनुपात क्या, हाँ समान अनुपात लोड है, समान अनुपात स्लिप है, समान अनुपात क्या स्लिप है, तो ये सब आपको लिखा है। अब क्लियर है, ठीक है। अब देखिए ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको दिया, लेकिन हकीकत में ये जो स्टेटर वाइंडिंग है ये स्टेटर के क्रोड में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? स्टेटर के क्रोड में की जाएगी जो कि सिलिकॉन इस्पात का बना रहे हैं। ये डायरेक्ट अभी आपको धुर्रे पर दिख रहा है रोटर वाइंडिंग, लेकिन रोटर वाइंडिंग के लिए भी हम लोग सिलिकॉन इस्पात का लेमिनेटेड जो है क्रोड बनाएंगे और उसके खांचों में इस वाइंडिंग को फिर, और ये इस समय जो दिख रही है वो फेज बाउंड मोटर का एग्जाम। ये कौन सी है? ये फेज बाउंड, ये फेज बाउंड मोटर, जिस पतले तार से हम लोग स्टेटर पर वाइंडिंग करेंगे उसी पतले तार से जब रोटर पर भी वाइंडिंग करेंगे तो उस मोटर को कहेंगे फेज, और जब इनमें मोटी मोटी छड़ों को पिरोएंगे तो उसे कहेंगे केज। इस तरह से इसके जो है रोटर के आधार पर हमारी इंडक्शन मोटर दो प्रकार की है, एक फेज वाउंड है और एक केज, केज माने पिंजर। और फिर केज भी दो प्रकार का है, सिंगल केज और डबल। ये सब सारी बातें हो गई हैं। अब इनकी संरचना में आप देखें बेटा कि ये जो है इनका स्टेटर कैसे बनेगा, तो इसको अब मैं मिटा देता हूं। चल इसको मिटा दे, ये हो गई बॉडी। अब आप जनरेटर में या सिंक्रोनस जनरेटर में या एसी जनरेटर में पढ़े हैं कि इसमें जो है हम लोग स्लॉट ऐसे ऐसे काट देते हैं, ऐसे ऐसे इसमें जो है अभी स्लॉट हम लोग काट रहे हैं, ऐसे स्लॉट इसमें काट देते हैं, बोलिए भाई, ऐसे ऐसे जो है स्लॉट इसमें हर जगह काट देते हैं। ऐसे स्लॉट बेटा हर जगह काट ले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेटर, ऐसे बना लें। अब इसमें सिलिकॉन इस्पात का हम लोग जो है स्टेटर कोर फिट करें, किसका, हाँ स्टेटर कोर, स्टेटर कोर इसी को कहेंगे स्थाता क्रोड, क्या कहेंगे स्थाता क्रोड। तो ये किसका बनेगा, सिलिकॉन इस्पात, ये बनेगा आपका सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन स्टील का, वो भी कैसा बनेगा, लैमिनेटेड, लैमिनेटेड, लैमिनेटेड करने से क्या होगा, भंवर धारा हानियां कम, भंवर धारा हानि कम हो जाए, क्लियर। और सिलिकॉन 4% मिलाते हैं, 4% सिलिकॉन मिलाने से हिस्टेरेसिस लॉस कम हो गया, हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाए। तो अब इसकी संरचना हम लोग कैसे करेंगे, अब ये देखते हैं। तो ये जो है जिस साइज का है उस साइज का हम लोग जो है सिलिकॉन इस्पात की ऐसे जो है ये लेंगे, एक पत्ती ले लेंगे ऐसे,
क्लियर है। ये सिलिकॉन इस्पात की एक पत्ती हो गई, इकाई की है, हाँ सिलिकॉन स्टील की एक पत्ती हो जिसकी मोटाई आप पढ़े 0.3 mm से 0.5 mm होती है और ये जो है वार्निश कोटेड होती, इस पर वैद्युत रोधी वार्निश का लेप चढ़ा होता है। वार्निश वैद्युत का कुचालक है ताकि एक को जोड़कर बनावे तो एक की धारा दूसरे में पत्ती में न जाने पावे, ऐसे इसको हम लोग बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इसके इंटरनल भाग पर खांचे बना देंगे, स्लॉट। अब यही स्लॉट चाहे ओपन बनाएंगे अथवा सेमी क्लोज बनाएंगे। तो ये स्लॉट ऐसे बना दिया, ये ऐसे स्लॉट बना दिया, ऐसे स्लॉट बना दिया, पूरे में ऐसे बन जाएगा भैया। ऐसे बना दिया और अब एक पत्ती ये है, ऐसे बहुत सारी पत्तियों को आपस में चिपका कर एक बेलनाकार भाग ऐसे हम लोग बनाते हैं और इसके ऊपर जो है इस टाइप का टीथ निकाल देते हैं, ऐसे ऐसे टीथ निकाल देते हैं। चलिए ऐसे ऐसे टीथ बना देंगे, हर जगह बने रहे। ये सब संरचना आप बेटा पढ़े हुए सिंक्रोनस मोटर और आप सिंक्रोनस जनरेटर में भी पढ़े हुए। अब इसको हम लोग जो है ऐसे इसको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए ऐसे बढ़ा दिया और इसको भी ऐसे बढ़ा दिया तो ये भाग जो है हम लोगों का ये ऐसे जो है बेलनाकार बन गया, बोलिए ना। ठीक है, ये ऐसे बन, अब सारे दांते जो है ऐसे ऐसे बन जाए। ठीक है, ये इनको टीथ कहते हैं, ये सब क्या है, टीथ है और ये वाले जो है स्लॉट। ये कौन से स्लॉट है, ओपन टाइप, चाहे ओपन बनाओगे या सेमी क्लोज बनाओगे या क्लोज बनाए, तो हम लोग ओपन बना लेते हैं क्योंकि इनको जो है गिरना नहीं है, झटका लगना नहीं है, इनको नाचना है नहीं, इनको स्टेटर पर तो वाइंडिंग करने में हमें आसानी होती है। तो अब ये स्लॉट भी बेटा अंदर अंदर जो है यहाँ तक होगा, ये भी यहाँ तक होगा और ये दांते भी ऐसे ही पूरे लंबाई में। अब इन्हें हम लोग क्या करेंगे, उठाकर ऐसे जो है इस खांचे में इस दांते को ऐसे मैच करा के और ये भी आपका जो है ऐसे ही जो है ये भी बना रहेगा, ये भी बॉडी इसकी जो है ऐसे ही बनी रहेगी, बस इसमें ले जाकर ऐसे पाना। ये सिलिकॉन इस्पात का क्रोड है, ये एक पत्ती सामने से दिख रही है, ऐसे तमाम पत्तियों को ऐसे आपस में लेमिनेट करके ऐसे चिपका कर जो है ऐसे बनाते हैं, बोलिए भाई। ऐसे लेमिनेट करके बना और फिर इन दांतों को इन खांचों में मैच करा के ऐसे पहना देंगे बिना नट बल्टू के, अभी फिक्स हो। अब इसी में बेटा हम लोग जो है वाइंडिंग करेंगे, तो पतले तार की जब इन स्लॉटों में वाइंडिंग करेंगे तो सपोज कर लीजिए एक तार अंदर 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 ऐसे इसमें जहां खांचा ऐसे गया होगा ऐसे डालेंगे और फिर जो है इसको हम लोग जो है ऐसे मोड़ेंगे अंदर अंदर और फिर ऐसे निकालेंगे और फिर इस खांचे से ऐसे ले आएंगे फिर ऐसे ऐसे डालेंगे, ये अंदर अंदर रहेगा, क्लियर है ना। तो यही वाइंडिंग हो जाएगी स्टेटर वाइंडिंग, इसे कौन सी वाइंडिंग कहते हैं, हाँ ये वाली वाइंडिंग हो गई स्टेटर वाइंडिंग।
और ये हो गया सिलिकॉन इस्पात का स्टेटर कोर, यही क्या हो गया स्टेटर कोर, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक धुर्रे वाला, अब इसी जगह जो है एक धुर्रे वाली भी व्यवस्था रहेगी, ठीक है ना, इसको उठा के फिट कर दिया। अब इसी जगह आपका जो है ये इस तरह से धुर्रा रहेगा, मान लीजिए ये धुर्रा हो गया, अभी दिखा रहे हैं, और फिर इसके ऊपर भी हम लोग जो है ऐसे जो है सिलिकॉन इस्पात का एक पट्टी ले लिया, क्लियर, और ऐसे ये बना, इसके अब परिधि में क्या करेंगे, खांचा काट ऐसे, ये तो एक पत्ती आपको दिख रही है, ऐसे ही ये भी सिलिकॉन इस्पात की ये सब पत्तियां हैं जिनकी मोटाई है, वार्निश कोटेड है, और अब इन पत्तियों को भी आपस में चिपकाएंगे और चिपका के एक बेलनाकार भाग ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अब ये भी ऐसे ही अंदर अंदर जो है ऐसे, और ऐसे इसी के अंदर से ऐसे जो है ये भी अंदर अंदर ऐसे फिट हो जाए, और ये धुर्रा जो है अब जो ऐसे मैं दिखा रहा हूँ यही धुर्रा अब आपका जो है ऐसे आ जाएगा। बोलिए भाई, ये ऐसे आपका धुर्रा इधर आ जाएगा और ऐसे ये धुर्रा जो है इधर भी रहेगा ऐसे। अब इन्हीं धुरों पर अब ये पूरी व्यवस्था इसके अंदर फिट हो, अब इसी में जो है हम लोग जो है सेकेंडरी वाइंडिंग, अब ये दांते से दांते भी ऐसे मैच किए हुए अंदर तक गए हैं, ये स्लॉट जो है अंदर से अंदर तक गए होंगे, इसके नीचे से ये भी स्लॉट ऐसे ही गया होगा। अब इनमें जो है हम लोग जो है रोटर वाइंडिंग पिरोएंगे, अब इसमें ऐसे वही पतले वाले तार मान लीजिए इसमें डालेंगे, ऐसे ऐसे फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा और फिर इस खांचे से निकाला, ऐसे ऐसे किया, तो ये हो जाएगी हमारी रोटर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? रोटर वाइंडिंग हो जाएगी। तो ये सब जो है इसमें जो हम लोग इस टाइप के अब तार पिरोएंगे यही हो गया हमारा रोटर वाइंडिंग, और इस तरह से जो बेलनाकार भाग ऐसे अब तमाम पत्तियों को चिपका कर ऐसे जो है बेलनाकार एक लंबा सा भाग बना लेंगे, उसे हम कहेंगे रोटर क्रोर या क्रोड, और ये भी सिलिकॉन इस्पात का ऐसे बनाएंगे। फिर क्या करेंगे कि इधर बैरिंग लगाकर और इधर वाला प्लेट लगाकर ऐसे नट बल्टू से टाइट कर देंगे, और ऐसे इधर भी जो है हाँ एक बैरिंग चढ़ाकर, और जो इधर वाली ढक्कन रहेगा साइड प्लेट रहेगी उस पर धुर्रा ये वाला टिका दें, बस मोटर आपकी बैलेंस हो जाएगी, ये धुर्रा बाहर निकला रहेगा, इससे बाहर निकला रहेगा। अब आप जो है ये इसकी सप्लाई डायरेक्ट जो है यहाँ रहेगी, यहीं से आप सप्लाई देंगे, यही टर्मिनल बॉक्स है, यहाँ से सप्लाई देंगे, इसको उठाने के लिए यहाँ पर लिफ्टिंग डिवाइस भी लगा देते हैं भैया, यहाँ पर लिफ्टिंग डिवाइस, ये टर्मिनल बॉक्स, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का स्लिप रिंग या कार्बन ब्रश की व्यवस्था नहीं है, डायरेक्ट जो है प्रेरण के कारण जो है प्राइमरी में धारा डाल रहे हैं, सेकेंडरी में अपने आप जो है वो उत्पन्न हो रहा है, और इस तरह से इस मोटर में कोई स्पार्किंग की समस्या नहीं है, कोई इस टाइप का ताम झाम नहीं। तो इस तरह से आपका जो है ये हो गया फेज। अब ये पूरी व्यवस्था इसके अंदर फिट, साइड प्लेट इधर से लग गया, ढक गया, उधर से भी लग गया, ये चीज़ एकदम सेंटर में बैरिंग पर आ जाएगी, साइड प्लेट के एकदम यहाँ जहाँ धुरा टिका रहेगा बैरिंग पर, इधर और इधर, बस ये बीच में अपना, हाँ ठीक है। तो ये है व्यवस्था। अब इसके अलावा अगर हम लोग जो है केज वाउंड करते हैं, तो केज वाउंड में क्या करेंगे कि यही व्यवस्था हम लोग जो है सिलिकॉन इस्पात का फिर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाँ, ये जो है वाइंडिंग तो ऐसे ही रहने दें, ये वाइंडिंग जो है हाँ स्टेटर वाली वाइंडिंग वैसे ही रहेगी,
अब इसमें क्या है कि इसमें जो है मोटी मोटी छड़े छड़े, अब इसमें पतले पतले तार में डालकर बंद स्लॉट बनाएंगे। कैसा स्लॉट बनाएंगे? क्लोज स्लॉट बनाएंगे। और ये अब इस टाइप के स्लॉट बने, अब ये गोल गोल जो है इस टाइप के स्लॉट बनेंगे, ऐसे ये ऐसे ऐसे। अब इन्हीं स्लॉटों में ये जो गोल गोल स्लॉट हैं, इन्हीं स्लॉटों में अब क्या है, मोटी मोटी ऐसी मोटी मोटी कापर की या एल्युमिनियम की या ब्रास की या ब्रॉन्ज की मोटी मोटी छड़ें केवल रोटर में। स्टेटर वाइंडिंग तो ऐसे ही रहे, स्टेटर का क्रोड ऐसे ही रहेगा, केवल रोटर में ऐसी ऐसी मोटी मोटी छड़ें। तो ये मोटी मोटी छड़ें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये जो है यहाँ तक अंदर अंदर ये लगी रहेंगी, ये मोटी मोटी छड़ें ये रोटर की ऐसे ऐसे लगी रहेंगी। इसमें भी जो छड़ डालेंगे वो ऐसे ऐसी मोटी हैवी लगी रहेंगी, इस तरह से पूरे में लगी रहेंगी, इधर भी ये सब लगी रहेंगी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक ऐसे इंड रिंग ले आएंगे, गोल से रिंग ले आएंगे बेटा, उस पर ऐसे रख कर और यहाँ नट बल्टू से टाइट कर देंगे, बस ये सारी शॉर्ट हो जाएगी। और उधर भी उस साइड में भी एक इंड रिंग या सिरा प्लेट लगाकर टाइट कर देंगे, बस सारी जो है राडें आपस में शॉर्ट कर जाएंगी। तो यही हो गया सिंगल एक, कैसा हो गया, यही हो गया सिंगल केज वाउंड रोटर। अब मोटे छड़ों का प्रतिरोध कम है तो इनका R2 कम हो गया, अतः इनका स्टार्टिंग टार्क सबसे कम, क्लियर। और जब इसी को बेटा हम लोग डबल केज का बनाते, तो यहां डबल केज का बना देते हैं। ये मान लीजिए कि आपका रोटर हो गया और ये रोटर का जो है ऐसे ये भाग बना दिया, ये रोटर हो गया, ठीक। यहां पर सिल्क ये आपका धुर्रा हो गया, ये धुर्रा बना देते हैं, ये धुर्रा आपका जैसे ये है ऐसे इधर भी निकला रहेगा उधर भी रहेगा, अभी ऐसे बना दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग जो है इसमें थोड़ा सेमी ओपन टाइप का ऐसे खांचा बनाएं, क्या करें, हाँ सेमी क्लोज टाइप का या ओपन कर लीजिए, सेमी क्लोज भी कर सकते हैं सेमी ओपन, ऐसे बना दिया। चलिए ऐसे पूरे में बना, ठीक है। ऐसे बना, अब जो है इधर भी बना रहेगा, ये सब बना रहेगा। अब इसी के सीध में बेटा यहां ले आएंगे और ये धुर्रे के पास में भी ऐसे खांचा बना देंगे, ठीक है ना, इसके भी पास में ले आएंगे ऐसे कट मार कर ले आएंगे और यहां भी खांचा बना देंगे, बोलिए भाई, ऐसे ऐसे इसके पास में ले आएंगे यहां भी खांचा बना देंगे, ऐसे ही हर जगह से ले आएंगे, यहाँ भी खांचा बन गया, यहाँ भी खांचा बन गया, यहाँ भी यहाँ, इनमें मोटी मोटी छड़े डाल दें, पूरे में लंबाई में मोटी मोटी छड़े पड़ जाएंगे, इसमें भी मोटी मोटी छड़े, इसमें भी मोटी मोटी छड़े, इसमें भी। ये हो गया आपका जो धुर्रे के पास है, ये आपका धुर्रा ऐसे बाहर की ओर आया हुआ है, इस धुर्रे के पास जो बेटा है यही है मोटी छड़ वाली, इन्हीं को कहेंगे इनर केज वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग, हाँ ये हो गए इनर केज वाइंडिंग, इनर केज वाइंडिंग हो गई। और ये मोटे छड़ की किसका है, हाँ मोटे छड़ की है, इसलिए इन्हें बार वाइंडिंग भी कहें, क्या कहें, बार वाइंडिंग। और अब ये बन रहा है डबल केज, तो अब देखिए इनका मोटे छड़ का प्रतिरोध कम होता है, मोटे छड़ का प्रतिरोध कम होता है, इसलिए इसे निम्न प्रतिरोध कुंडलन भी कहेंगे, इनर केज वाइंडिंग को क्या कहते हैं, निम्न प्रतिरोध कुंडलन भी कहते हैं। तो ये हो गया निम्न प्रतिरोध कुंडलन भी इसे कहेंगे।
और जो यहाँ पर है ऊपर धुरे से ऊपर या दूर है इन्हें हम लोग जो है अपर केज वाइंडिंग कहेंगे। और तो इनमें जो छड़ हम लोग पिरोएंगे वो अपेक्षाकृत पतले होंगे, उनकी क्या करें ये पतले छड़ डाल देंगे, बोले भाई ये पतले छड़ डाल देंगे, पूरे में ऐसे ही डाले रहेंगे। तो ये पतले छड़ हैं, इन्हें हम लोग कहेंगे अपर के, अपर के, हाँ चलिए वाइंडिंग या अपर के बार वाइंडिंग, ठीक है। और ये पतले तार की है, पतले छड़ की है, बार माने छड़, तो पतला छड़ होने से क्या होगा इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने से इसको कहते हैं उच्च, हाँ उच्च प्रतिरोध कूलर, क्या कहते हैं उच्च प्रतिरोध कूलर। तो अब यही उच्च प्रतिरोध कुंडलन है, तो जब स्टार्टिंग होगी तो इसके जो है फ्लक्स है, स्टेटर के जो फ्लक्स है वो पहले इन्हीं बाइंडिंगों से कट, उच्च प्रतिरोध वाले से कट, और उच्च प्रतिरोध होने की वजह से टार्क T2 अभी समान अनुपात है आपने R2 देखा, तो इसका स्टार्टिंग टार्क जो है घुमाने वाला बल आघूर्ण सिंगल केज वाले की अपेक्षा ज्यादा, पक्का ये आपको बताए। और जब मोटर रन करने लगती है तब क्या होता है, अब इससे धारा ना बहकर मैक्सिमम धारा जो है इनर वाइंडिंग से बहने लगती है, इनर केज वाइंडिंग से बहने लगती है, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है, ठीक है ना। अच्छा स्टार्टिंग में इसका प्रतिरोध उच्च है और ये प्रतिघात जो है ज्यादा उत्पन्न करती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पूरा का पूरा सेम मिलती है, 50 हर्ट्ज की सप्लाई है तो 50 हर्ट्ज की इसमें भी फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है, तो इसका जो प्रतिघात है XL बराबर 2πfL ओम लिखे हैं, यही यह 50 होने की वजह से इसका मान अधिक होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जब रन करने लगती है तो फ्रीक्वेंसी बहुत घट जाती है, 2 हर्ट्ज तक आ जाती है। तो अब और दूसरका यह है कि 2 हर्ट्ज पर जब फ्रीक्वेंसी आ गई है रन करने लगी, तो अब धारा अपर के इसका प्रतिरोध ज़्यादा भी है, इसका प्रतिरोध कम और मोटे छड़ की है, तो इसमें से अब धारा बहने लगती है, इसमें से धारा बहेगी, इसका प्रतिरोध कम है और दूसरका जो है अब फ्रीक्वेंसी करीब 2 हर्ट्ज आ गई, तो ये इसका प्रतिघात भी XL जो है बहुत कम है, ठीक है ना। 2πfL से अब F का मान करीब 2 हर्ट्ज आ गया, तो इसका जो है प्रतिघात भी कम होता है और इसका जो है ओमिक मान जो है R भी इसका कम है, इसका R भी कम है और XL ओम भी कम है, इसलिए अब मैक्सिमम धारा जो है हाँ आपके इनर केस से ही बहती रहती है वाइंडिंग से और हमारी मोटर दिन रात चलती है। अब एक पॉइंट और देखो, जो हम लोग यहाँ पर अभी वाइंडिंग कर रहे थे, मान लीजिए कि यहाँ पर मोटे छड़ न लगा के पतले तार से ही वाइंडिंग किए हैं, तो ये वाला जो है हमारा अभी तक क्या था बेटा, ये है रोटर, रोटर कोर सिलिकॉन इस्पात का रोटर कोर है और ये वाला जो है स्टेटर कोर। अब इसमें जब पतले तार की हम लोग वाइंडिंग करेंगे तो इसका ऑलरेडी पतले तार की अभी जिसको हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे कि भाई ये है ऐसे, इसी बात को शॉर्ट में हम लोग ऐसे कर रहे थे समझने के लिए, और ये हो गया स्टेटर वाइंडिंग, बगैर संरचना अब आपके समझ में आई गई होगी कि ऐसे नहीं रहेगा बल्कि इसकी जगह पर ये वाला लगेगा, और ये सिलिकॉन इस्पात की पतली पतली पत्तियों को चिपका कर एक बेलनाकार बनाया जाएगा, तब ये इस पर फिट होगा ऐसे यहाँ से यहाँ, ठीक है बेटा। अब देखिए तो इसका R2 सबसे अधिक है, इसका R2 क्या इन लोगों की अपेक्षा अधिक है, और ऐसी मोटर को हम लोग कहते हैं फेज वाउंड, ये कौन सी वाइंड फेज वाउंड कहते हैं बेटा, तो इसलिए फेज वाउंड का स्टार्टिंग टार्क इन दोनों से अच्छा,
इनकी सिंगल केज की अपेक्षा डबल केज का स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है और इन दोनों की अपेक्षा हमारा जो है फेज वाउंड का स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है क्योंकि उसके आर टू का मान ज्यादा। अभी आपने पढ़ा टी भाई, मैंने दिखाया प्रैक्टिकली कि भाई देखो कैसे जो है टी टू आर टू के समानुपाती। बहुत से लोगों कंफ्यूज रहता है कि प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो कैसे टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने दिखाया। अब देखिए बेटा, इसका आर टू ज्यादा है और इसके आर टू को और ज्यादा हम लोग करें। अब ये तीन फेज की वाइंडिंग है तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, मान लीजिए कि एक फेज ये है, चलिए इसको मिटाई देते हैं, ये लास्ट पॉइंट देख लेते हैं बेटा। अब इसमें रोटर पर थ्री फेज की वाइंडिंग की है, इस रोटर पर हम लोग थ्री फेज वाइंडिंग कर देते हैं ऐसे। मान लीजिए कि एक फेज ये हो गया, एक फेज आपका ये हो गया। अभी आपने कहा कि इस पर डेल्टा वाइंडिंग करेंगे और इस पर स्टार वाइंडिंग करेंगे, तो ये स्टार वाइंडिंग हम लोग कर रहे हैं। रोटर पर कौन सी वाइंडिंग होगी? हाँ, तो ये स्टार वाइंडिंग हो गई तीनों फेज, और ये मान लीजिए कि आपका धुर्रा हो गया, ये क्या हो गया? धुर्रा। तो यही धुर्रा जो है ऐसे, यही वाला धुर्रा जो है आगे की ओर निकालेंगे और इस पर क्या करेंगे, तीन स्लिप रिंग लगा, क्या लगा? हाँ, तीन स्लिप रिंग लगा देंगे ऐसे, तीन स्लिप रिंग लगा दिए भैया। अब धुर्रा नाचेगा तो ये भी स्लिप रिंग भी साथ में नाचेगी। अब क्या करेंगे कि इसे ले आके यहाँ शोल्डर कर, इस फेज को ले आके यहाँ शोल्डर कर और इस फेज को ले आके यहाँ शोल्डर कर देंगे। अब तीनों फेज आपका स्लिप रिंग से जुड़ जाए। अब कार्बन ब्रूस लगा देंगे, यहाँ कार्बन ब्रूस लगाया, यहाँ कार्बन ब्रूस लगाया और इसकी परिधि पर कार्बन ब्रूस लगाया और स्टार्टर का रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ा, स्टार्टर का रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ा, स्टार्टर का रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दिया, ये हो गया स्टार्टर। ये क्या हो गया? ये हो गया स्टार्टर। स्टार्टर की ये रेजिस्टेंस हो गई, ये स्टार्टर के रेजिस्टेंस ये बाहर से जुड़ गया, कहां से? बाहर से ये प्रतिरोध जुड़ गया। देखिए ये प्रतिरोध सीधे श्रेणी क्रम में इस फेज से जुड़ गया, ये प्रतिरोध इस वाइंडिंग से जुड़ गया, ये प्रतिरोध इस फेज से जुड़ गया। अब इसके आर टू का मान और बढ़ गया, अब इसका टार्क टी टू जो है वो समानुपाती आर टू हो गया और आर टू का मान हम लोग बाय रेजिस्टेंस ऐसे जो है स्लिप रिंग और कार्बन ब्रूस के माध्यम से डायरेक्ट जो है फेज वाइंडिंगों में जोड़ देते हैं, जिससे सभी कुंडली का तीनों फेजों का प्रतिरोध बहुत उमदा हो जाता है और प्रतिरोध बढ़ने से उनका स्टार्टिंग टार्क बहुत उच्च हो जाता है। इसलिए इस फेज वाउंड मोटर को ये स्लिप रिंग टाइप का भी इंडक्शन मोटर कहते हैं। देखिए इनमें स्लिप रिंग लगा के और केवल स्टार्ट कराने भर का, जैसे टी टू मिल गया स्टार्टिंग टार्क उमदा और मोटर स्पीड पकड़ ली, तैसे फिर स्टार्टर का हैंडल गिरा के कनेक्शन आप कर देंगे, हटा देंगे मोटर, अब तो लोड खींचना शुरू कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार गतिशील हो गई तो फिर उसी पर गति करती रहे एक बार। तो ये तो इस तरह से आपने पढ़ा कि भाई प्राइमरी को जो है डेल्टा में जोड़ेंगे, सेकेंडरी को स्टार में जोड़ते हैं और फिर स्टार के तीनों वे फेजों को हम लोग स्लिप रिंग के माध्यम और कार्बन ब्रूस के माध्यम से स्टार्टर के बाय रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं, जिससे जो है हमारे रोटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और अधिक हो जाता है, आर टू का मान और अधिक कर देते हैं और अधिक करने से स्टार्टिंग टार्क टी टू का मान भी बहुत अधिक हो जाता है। इस तरह से अब इस मोटर का टार्क उन दोनों की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो जहाँ पर बेटा हैवी कार्य है और स्टार्टिंग टार्क उमदा की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर हम लोग स्लिप रिंग टाइप फेज वाउंड इंडक्शन मोटर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद।